गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आइस तौतनेकर। गाइस, आज हम लोग फायर एंड आइस से क्लास 10th का सेकंड पोयम, इनकी जो पोइट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डस्ट ऑफ स्नो। आज मैं फिर से दूसरी उनकी पोयम को लेकर के उपस्थित हूँ, फायर एंड आइस। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि फायर और आइस का मतलब क्या यहाँ पर है और पोइट हमें क्या वार्निंग देना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि फायर स्टैंड फॉर क्या। फायर स्टैंड फॉर गाइज हमारा है डिज़ायर, पैसन, और आइस स्टैंड फॉर हेट। तो अब आप समझ चुके होंगे कि फायर का मतलब क्या। हम बोलते हैं ना, दिल में उसका फायर जल रहा है, मतलब ओपिनियन है कुछ करने का, डेट मीन्स उसके अंदर डिज़ायर है, पैसन है। और आइस डैट मीन्स वो क्या है, वो है एकदम से हैट्रेट। सो नाउ अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों को ये मानना है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बर्बाद हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फायर से एंड हो जाएगा। और कुछ लोगों को ये मानना है कि हमारा जो वर्ल्ड है ना वो आइस से एंड हो जाएगा। नाउ फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर जो पोइट है वो बोलते हैं कि मैंने जो टेस्ट किया है डिजायर का, उससे मैं क्या हूँ, एग्रीड हूँ कि जो लोग फायर के पक्ष में हैं, यानी जो सोचते हैं कि फायर से हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मैं भी उन्हीं के साथ एग्रीड हूँ। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि फायर से कैसे वर्ल्ड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आइस से कैसे होगा। तो नाउ लिशन, फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर। आपने देखा यूक्रेन और रूस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे थे दूसरे से। यहाँ पर देखिए, रूस के मन में थोड़ा सा डिज़ायर है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के पास कुछ एरिया में अदर कंट्री का सैनिक क्या कर रहे हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। उनके मन में बस एक डिज़ायर था कि यहाँ पर नहीं रहेगा तो हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे, अपने कंट्री को। इसके लिए वो क्या करता है, वार्निंग देता है, और इसके बाद नहीं मानता है तो उसे भगाने के लिए वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, अपना ताकत दिखाता है। बट अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है तो सीधा अटैक करता है, जिससे यूक्रेन क्या होता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ तक कि रसिया भी बहुत कुछ खो देता है। तो यहाँ देख रहे हैं, एक डिजायर की वजह से यूक्रेन और रसिया में क्या हुआ, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये आप समझ गए कि डिजायर का क्या है। बहुत सारे बच्चों का ये डिजायर होता है कि हम टॉप बने, टॉप करें, टॉप करें, जल्दी से जॉब करें। अंत में क्या करते हैं, अगर वो टॉप रैंकर में नहीं आते हैं तो खुद को सुसाइड कर लेते हैं, अपनी लाइफ को समाप्त कर लेते हैं। तो वहां पर भी क्या, एक डिजायर था टॉप करने का, और उसके वजह से वो क्या, डिस्ट्रक्शन को चले गए। तो दिस इज व्हाट डिजायर। तो डिजायर अगर चरम सीमा से किसी इंसान का ऊपर जाएगा ना, तो डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। तो डिजायर को लिमिट में रखना है। नाउ आइस कैसे हमारा डिस्ट्रक्शन का काउज बन सकता है। तो नाउ आइस, आइस डैट मीन्स व्हाट, हेट। हेट जैसे बहुत सारे देखते होंगे दोस्त, एक दूसरे से नफरत करते हैं, देखना तक पसंद नहीं करते, और नफरत की आग को बुझाने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। तो इसके वजह से बहुत सारा क्या होता है, विनाश होता है। जैसे किसी को नफरत से किसी को केस में फंसा दिया, मर्डर केस में फंसा दिया, कुछ और नुकसान कर दिया, तो इससे क्या होता है, दोनों का दुश्मनी बढ़ते जाता और अल्टीमेटली जान तक भी जाता है, सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आइस। आप इंडिया पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान अक्सर इंडिया में कुछ ना कुछ आतंकवादियों को भेजते रहता है, और जिसके वजह एक क्या है, नफरत है, हेट है, जिसके वजह से हमारे सैनिक को शहीद होना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रक्शन। हमारा इसी तरह से वर्ल्ड भी क्या, बर्बाद हो सकता है, किससे, आइस से, हेट से। नाउ फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर देख रहे कि जो राय जो पोइट हैं उन्होंने बताया कि वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो टेस्ट किया है किस चीज का, डिजायर का, उस
डिजायर का जो मैंने टेस्ट किया उस डिजायर से मैं एग्रीड हूँ। कौन से डिजायर? तो होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी जो लोग फायर के साथ हैं, डैट मीन्स जिस लोगों को मानना है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो फायर से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं भी वो एक्सपीरियंस किया हूँ। क्यों सही बोल रहे हैं लोग, उनका मानना 100% सही है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो किससे डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो फायर से। यानी वो लोग सही बोल रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो फायर से, डिज़ायर से, चाहत से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। और मैंने भी इसको टेस्ट किया है, मतलब टेस्ट मतलब स्वाद नहीं, मैंने भी इसको परखा है। मैंने भी तर्क के कसौटी पे कसा तो पता चला कि सच वो बोलते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है ना वो फायर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पोएट फिर से बोलते हैं कि अगर काश अगर वर्ल्ड फिर से बच जाए, फायर से डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी अगर रिफॉर्म हो जाए, तो अगर फिर से बच जाए तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो हमारा जो हेट है ना वो एनफ हो जाएगा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर फायर से हमारा वर्ल्ड बच भी गया तो दूसरी बार हेट से नहीं बचेगा, नफरत की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टू सी डैट फोर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, क्योंकि जो हमारा आइस है, डैट मीन्स हेट है, हैट्रेट फीलिंग जो है वो क्या करेगा, सफिशियंट है, एनफ है, ग्रेट है, जो कि हमारा वर्ल्ड को क्या कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। यानी फर्स्ट बार अगर फायर से बच गया तो सेकंड बार हेट से, डैट मीन्स आइस से वो नहीं बचेगा। चलिए समझते हैं फिर से एक बार। तो पोएट जो है वो बता रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है दो तरह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वो फायर है, और फायर डैट मीन्स व्हाट, डिजायर। और सेकंड जो है हमारा वो है आइश, डैट मीन्स व्हाट, हेट। तो ये दो फीलिंग की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स ऑफ अ स्पीच है इसमें, शम से एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है, से और शम दोनों में शा साउंड आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज द फिगर्स ऑफ अ स्पीच इन विच वी स्टडी अबाउट द सिमिलर साउंड इन अ लाइन ऑफ अ पोएम। तो यहाँ एश यानी श साउंड यहाँ पर रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं वर्ल्ड विल यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। नाउ शम से इसमें भी एलिट्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, इज इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? तो कोई भी सेंटेंस एक से दूसरी लाइन में जाकर के, तीसरी लाइन में जाकर के फिनिश होता है। एक ही सेंटेंस अगर मोर देन वन और टू लाइन में जाता है तो डेट इज कॉल्ड इंजैबमेंट। जैसे सम से द वर्ल्ड विल इन इन फायर एंड सम से इन आइस, डैट मीन्स एक यही सेंटेंस और फुल स्टॉप कहाँ पे आया, इस पे आया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंजैबमेंट। नाउ नेक्स्ट फिगर्स ऑफ अ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे वर्ल्ड को एंड करने के लिए कोई इंसान चाहिए, बट यहाँ पे फायर और आइस, फायर को क्या ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए फायर एंड आइस इज व्हाट, पर्सोनिफिकेशन, एनिमेट किया गया है। ऐसे फायर से और आइस से वर्ल्ड कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ पर इसको एनिमेट किया गया ह्यूमन बींग की तरह। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? तो देख रहे हैं कि सम से ये जो वर्ल्ड है ना, ये दो वर्ल्ड सेम, इसमें भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एशोनेंस। एशोनेंस क्या होता है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इफ इट, अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड सेम वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो डेट इज कॉल्ड एशोनेंस। अगर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता तो हम इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। बट यहाँ पर ये क्या, इफ
और इट, इसमें ई साउंड आ रहा है स्टार्टिंग का साउंड, दिस इज कॉल्ड एशोनेंस। तो दीज आर द फिगर्स ऑफ अ स्पीच इन दिस पोएम। अब यहाँ पर कुछ कुछ हम वर्ड्स को देख लेते हैं। होल्ड, होल्ड डैट मीन्स वॉट, एग्री। पेरिस डैट मीन्स वॉट, डिस्ट्रॉय। और सफिश डैट मीन्स टू बी एनफ। तो इस तरह से ये पोएम आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर दें। थैंक यू।